एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज बेस्ड प्रॉब्लम। हम देखने वाले हैं DSSB, KVS, NVS में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। उसको क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मीना, सीना और रीता तीन मित्र हैं, ठीक है। उनकी आयु जो है वो क्रमशः a+4, a-4, a-8 वर्ष है। मीना और सीना को मिलाकर औसत आयु जो है 24 है। इसमें दिया है मीना और सीना, यानी मीना और सीना कौन है, a+4, a-4, उनकी आयु जो है एवरेज वो 24 है। रीता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मीना और सीना की जो वर्तमान आयु है वो पता है, ठीक है, औसत वर्तमान आयु पता है। तो हम जस्ट इस एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। 24 दिया है, हम एवरेज का फॉर्मूला दो लोगों के बीच लगाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू जब आपको मिल गई यहाँ से, तो क्या आपसे पूछा क्या है कि रीता की वर्तमान आयु, तो रीता की नहीं निकाल सकते। हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, ये -8 है। ए की वैल्यू 24 है, माइनस अगर हम 8 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 जो है वो राइट आंसर है। स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है मीना, सीना और रीता तीन मित्र हैं, उनकी आयु जो है वो a+4 है, a-4 है, a-8 वर्ष है। मीना और सीना को मिलाकर औसत आयु, मतलब मीना और सीना की जो आयु है औसत वो 24 वर्ष है, तो रीता की वर्तमान आयु आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें मीना और सीना की जो वर्तमान आयु है वो पता है, यानी 24 आवर है इनका एवरेज, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मेट में, एवरेज के फॉर्मेट में उसे लिख लिया, दोनों का प्लस जितने लोग हैं उनका, ठीक है। तो ये दो हैं। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते बिल्कुल, ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जस्ट इसको सॉल्व करने के बाद। तो ए की वैल्यू आई ये है 24। रीता जो है, रीता की वर्तमान आयु जो है वो a-8 है, ठीक है। तो a-8 है तो आपको ए की वैल्यू पता है और 8 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो रेशियो में दिया गया है वो दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 8:15। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 6:13। अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि अब से ये वर्तमान आयु है, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे। तो उनका प्रेजेंट जो आयु है, यानी वर्तमान आयु है, वो 8:15 में है, और 8 वर्ष पहले की बात करा तो ये कितनी थी, 16:13 में थी। तो हमने लिख लिया 8 वर्ष पहले, यानी माइनस कर दिया, और इस रेशियो में थी ये हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व, सो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 4 आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 4 आएगी, तो एक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। हमसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद क्या होगी, तो 32 ऑलरेडी आई थी, प्लस 8 कर देंगे, 60 में प्लस 8 कर देंगे, तो इन दोनों का जो रेशियो है ये 10:17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, यानी टोटल कितने हैं, 50 हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है, और कक्षा में लड़कियों की जो औसत आयु है ये 16 वर्ष है। पूरी कक्षा का औसत आयु आपको पता करना है, मतलब पूरी क्लास का आपको एवरेज निकालना। तो कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है, हमें सभी का दिया गया है, हमें पता है कि लड़कों का जो है वो 13x12 है, 12 वर्ष है ना औसत, तो हमें यहाँ से आ गया टोटल का, तो टोटल इनका 360 वर्ष आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 20 लड़कियों का भी दिया गया है, तो उसको इससे हम टोटल निकाल लेंगे लड़कियों का। अब एवरेज क्या होता है, इन दोनों का सम करके जितने भी टोटल इंडिविजुअल हैं उससे हम डिवाइड कर देते, तो हमें एवरेज मिल जाता है। तो जस्ट वही करना है हमें, इन दोनों को हमने ऐड किया और टोटल स्टूडेंट 50 हो गए, यानी कि 20 लड़कियाँ और 30 लड़के, यानी टोटल 50 हो गए। तो 50 से आपने जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 13.6, यानी 13.6। आपसे पूछ रहा है कि एक पिता अपनी बेटी से कहता है, जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। अगर पिता की वर्तमान उम्र 46 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र कितनी थी। सो इसको कैसे करेंगे, माना बेटी की उम्र हमने एक्स मान लिया, ठीक है। बेटी के जन्म के समय पिता की जो आयु थी वो भी चलो एक्स मान लेते हैं, और पिता की वर्तमान आयु हमें क्वेश्चन में दिया गया 46 थी। तो क्वेश्चन में क्या कहा इसको ज़रा ध्यान से देखिए,
उसमें बोला है कि जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी, आज की उम्र के बराबर थी यानी उसकी डबल थी। सो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 46 आएगा। तो यहाँ से क्या हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता चल सकती? बिल्कुल, तो 23 जो है वो एक्स की वैल्यू है। तो बेटी की जो वर्तमान आयु है वो 23 है। इसमें पूछा है 4 साल पहले बेटी की क्या आयु थी, तो माइनस हम 4 कर देंगे, 90 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10 बालकों की औसत आयु जो थी वो 13 वर्ष है और समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत वायु एक बढ़ जाती है, नए बालक की आयु क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो देखिए, 10 बालकों की जो औसत आयु है वो 130 है और एक बालक के आने से औसत आयु एक बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 13 थे, अब यहाँ पे ये 14 हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी एक वर्ष बढ़ गई यानी 11 हो गए, तो टोटल 143 हो गया। तो इसको बस डिफरेंस इसका निकाल लेना है और नए बालक की जो आयु है वो हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोहन, करीम तथा जॉर्ज की औसत आयु जो है वो 27 वर्ष है, इन तीनों की आयु का अनुपात यानी जो रेशियो है 2:3:4 है, जॉर्ज और करीम के आयु का अंतर क्या है? तो देखिए, इसको लगाना कैसे है, देखिए हमें तीन लोगों का पता है औसत आयु 27 है, तो तीनों का अगर हम कुल आयु निकालेंगे तो 81 आएगा। अब इसके रेशियो में आपको दिया गया है कि तीनों के आयु का अनुपात क्या है, तो ये किसके बराबर है, ये तीनों किसके बराबर है, 81 के बराबर। सो ये तीनों किसके बराबर है, 81 के बराबर। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जस्ट आपको x की वैल्यू मिल गई। तो इसमें पूछा जॉर्ज और करीम की आयु का जो अंतर है वो कितना है, तो ये 4x यानी कि 4:3 दिया था, तो हमें अगर x की वैल्यू पता चल गई तो हम इस क्या से निकाल नहीं सकते, तो x आया है 4x-3x करेंगे तो x आएगा, तो 9 वर्ष इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुना है, बेटी की वर्तमान आयु अगर 9 वर्ष है, व्यक्ति की आयु अपनी बेटी के जन्म के समय क्या थी, यानी व्यक्ति की आयु अपनी बेटी के जन्म के समय निकालनी है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, पत्नी की आयु बेटी की आयु से 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है, और 9 वर्ष है, तो 3 गुना है, 9 वर्ष है यानी 27 होगी, 9 × 3 करेंगे 27 आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है, चले ठीक है, फिर इसमें पूछा व्यक्ति की आयु अपनी बेटी की आयु से क्या है, और इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया कि व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर ये 27 साल की है तो इसमें 6 और जोड़ दीजिए, 6 अगर हम जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा, 33, यानी उस व्यक्ति की जो आयु है वो 33 है। बेटी के जन्म के समय व्यक्ति की आयु क्या थी, तो ये 9 वर्ष की हो चुकी है, तो 9 वर्ष अगर माइनस कर देंगे यानी 24 ईयर, ठीक है, तो जन्म बेटी के जन्म के समय इसकी आयु कितनी थी, 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, 3 लड़कों की मध्य आयु जो है वो 24 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है, सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों लड़कों की कुल आयु का योग कर लेंगे, तो हमें 24 साल दिया गया है, 3 लड़के हैं, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब हम जैसे प्रीवियस में किया था कि हमें रेशियो पता था, अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6 वर्ष, ठीक है। तो सबसे बड़े लड़के का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:4:3, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 की जगह पे हम 5:6 कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें 6 मिली है, तो ये आ जाएगा 30 वर्ष, तो 30 वर्ष सबसे बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5:7, तो सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 3 लड़कियों की जो औसत आयु हमें दी गई वो 20 वर्ष है, 3:20 कर देंगे तो हमें कुल आयु निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये आएगा 60 आएगा। फिर उसके बाद इसमें पूछ रहा है अनुपात आपसे, तो हमें पता है कि ये इस अनुपात में दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, तो चलिए इसको निकाल लेते, तो 3x+5x+7x=60, यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सबसे बड़ी जो लड़की की आयु है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यदि आप अब पिता की आयु 36 वर्ष है तो लड़के की आयु अभी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। माना कि लड़के की आयु x है और लड़के के जन्म के समय पिता की आयु x थी, ठीक है,
तो अभी कितनी है टोटल, तो इसकी 36 है। अच्छा, जब हम एक्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी कि लड़की की आयु निकालेंगे, तो ये कितनी आएगी, 18 वर्ष आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजेश से 5 वर्ष पूर्व अजीत का जन्म हुआ था। राजेश अनीस से 3 वर्ष छोटा है। यदि अजीत अब 17 वर्ष का है तो अनीस की आयु कितनी है। तो मान लीजिए कि राजेश की जो आयु है वो एक्स है, अजीत की आयु कितनी है, तो अजीत का जन्म हुआ था राजेश से 5 वर्ष पहले ही हो गया था, यानी प्लस में, ठीक है। तो अजीत एक्स प्लस 5 है। उसके बाद है कि राजेश अनीस से 3 वर्ष छोटा है, तो ये अनीस जो है, अनीस की उम्र एक्स प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। अब बस इसको इक्वेशन नंबर, सो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 12, और अनीस जो है, अनीस की आयु हमें निकालनी है, तो ये 3 वर्ष इससे छोटा था, यानी कि प्लस हो जाए। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 12 खिलाड़ियों के एक समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है, टीम प्रबंधक की उम्र 52 वर्ष है, प्रबंधक सहित टीम के सदस्यों की औसत उम्र आपको ज्ञात। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना होगा कि टोटल जो उम्र का योगफल है वो कितना है। तो 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं, और इनकी जो एज है वो कितनी, 26 है, तो टोटल आ जाएगा 312। प्रबंधक की आयु की बात करा तो ये 52 हैं, तो अभी कितने हो गए, कुल 13 लोगों की औसत आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं इसमें, और अभी 13 हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 28। सेम इसी तरह ये भी है कि एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत उम्र जो थी वो 13 वर्ष थी, जब नए छात्र को शामिल किया जाता है तो उनकी औसत उम्र 13.1 वर्ष हो जाती है। नए छात्र की उम्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, जब अब सी के शामिल होने पर औसत आयु जो है वो 22 वर्ष हो गई, तो सी की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है, ये आपको बता। सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, आपको बस क्या करना है कि ए और बी की पूर्व जो औसत है वो 18 है, और ए बी की 3 वर्ष पूर्व औसत वो 36 है, ए बी की वर्तमान औसत जो है वो 42 आएगी, और ए बी सी की 66 आएगी। तो सी की हमें निकालनी है, तो 66 सारे में से अगर आप 42 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो ये आपको, सो नेक्स्ट क्वेश्चन